Hey guys, what's up and welcome back to the channel Real Hobby Jyoti Sinha. And how you all are doing? So guys, hope you all are doing really well. So ये वीडियो है हेयर ट्रांसफॉर्मेशन की. जैसे कि मैंने आप सबको बोला तो मैं हेयर ऑयल की वीडियो डालने वाली हूँ शाम को. तो आज ये मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पे मंथ भी मैंशन किया गया. फरवरी 2024 में मेरे बाल कैसे थे और आज मई 90 डेज के अंदर जो हेयर ट्रांसफॉर्मेशन आया है उसके लिए मैंने मल्टीपल थिंग्स अप्लाई की है, लाइक राइस वाटर, देन हेयर का टॉनिक, हेयर पेस्ट. सबकी वीडियोज़ मैं वन बाय वन पोस्ट कर और उसमें बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि मैंने ऑयल कौन सा अप्लाई किया अपने हेयर के लिए. तो क्योंकि जब मुझे हेयर फॉल हो रहा था तो पहले मैं नॉर्मल मस्टर्ड ऑयल अप्लाई करती थी और काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करने के बाद मुझे ये एक ऑयल मिला जो कि है कैस पल्लव, जो एमिवे हर्बल का है. ये अमेजोन पे अवेलेबल है, आप इसे ऑर्डर कर सकते हो. ये मेरी दूसरी बोतल है, मतलब एक बोतल मैंने 3 मंथ्स के तक यूज़ किया, मतलब 2 मंथ्स तक आप कह सकते हैं मैंने यूज़ किया है. और इसके साथ ये मिलता है बट मैं इसका यूज़ नहीं करती हूँ. मैं अपने नॉर्मल हैंड से ही अपने स्कैल्प को अच्छे से मसाज करते हुए अप्लाई करती हूँ. तो इस ऑयल को मैंने अप्लाई करना शुरू किया था अराउंड 2 मंथ्स कह सकते हैं, 2 मंथ्स और 2.5 मंथ्स बैक. और ये मैं रेगुलर नहीं यूज़ करती हूँ. इस ऑयल को मैं यूज़ करती हूँ हफ्ते में एक बार, लाइक मंथ में अगर 4 हफ्ते होते हैं तो मैं इस ऑयल को ओनली दो हफ्ते में यूज़ करती हूँ. बाकी डेज जो मेरी होम रेमेडीज़ है जैसे राइस वाटर, फेनिग्रिक का पेस्ट और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने अप्लाई की है वो मैं आप लोगों के सामने लेके आ रही हूँ. बट ये मैं कब अप्लाई करती हूँ, कैसे अप्लाई करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ. इस तरीके से रात को सोने से पहले मैं पूरी अच्छी तरीके से फिंगर की हेल्प से पूरे स्कैल्प को अच्छे से मसाज करते हुए ऑयल लगाती हूँ. जब भी आप ऑयल लगा रहे हो, कोई सा भी ऑयल आप लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं आप यही ऑयल लगाओ. ये जो मैं लगाती हूँ मैं आपको वो बता रही हूँ गाइस, जो आपको सूट करता है आप उसे भी लगा सकते हो. इस तरीके से अपने जो लेंथ है हेयर की उस पर भी ऑयल लगाना होता है ताकि जो आपके हेयर है वो सिल्की रहे, मतलब ड्राई ना हो जाए. बहुत से लोगों की कंप्लेन आती है कि हमारे बालों में स्प्लिटेंस हो गई हैं, 2 मुहे बाल हो गए हैं. तो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो ऑयल कम लगाते हैं, उनके बालों को वो प्रोटीन नहीं मिल रही है, वो नरिशमेंट नहीं मिल रही है. अब ये रात को ऑयल लगाने के बाद सुबह हेयर को जो वॉश करना है तो हेयर का जो शैम्पू है इसके ऊपर स्पेशल मैंने एक डायल्यूट करके जो दिखाया था आप लोगों को कि किस तरीके से शैम्पू लगाना है, डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है गाइस, उससे हमारे बालों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है. तो इस तरीके से आपको हेयर वॉश कर लेना है और वॉश के बाद हमें जो अपने हेयर है वो नेचुरल सुखाना है. मैं हर वीडियो में आपको यही बोलती हूँ कि आप हेयर ड्रायर का यूज़ ना करें क्योंकि अभी मैं भी गाइस ऑन गोइंग प्रोसेस है मेरा. अभी मैंने अपना जो चाहा है वो अचीव नहीं कर लिया है. मैं चाहती हूँ मेरे बाल बहुत लंबे और घने, इसलिए मैं मैक्सिमम नेचुरल चीज़ें अप्लाई कर रही हूँ. नेचुरली बालों को ड्राई करना, आप सनलाइट में ड्राई कर सकते हैं, फ़ैन के नीचे. मैं मतलब जो मैं करती हूँ वो फ़ैन के नीचे करती हूँ. इस टाइम देख सकते हैं आप मेरे 80% बाल ड्राई हो चुके हैं और यू कैन सी कि कितने ज़्यादा मेरे बालों की जो डेंसिटी है वो बढ़ी हुई दिख रही है एंड आई एम रियली हैप्पी. और ड्राई हो जाने के बाद कुछ इस तरीके से आपके बाल दिखते हैं सिल्की. और इसके लिए जो हम पेस्ट लगा रहे हैं लाइक फेनुग्रीक का पेस्ट, राइस वाटर, उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया है. तो ये था मेरा हेयर केयर रूटीन ऑयलिंग का. सब्सक्राइब करो और वीडियोस आ रही हैं.